तो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू अंदर द मॉर्निंग। ये प्यारा सा गांव है उत्तराखंड में। देखो, फर्स्ट टाइम पहले गांव में मैं आया हूँ। ये चेक करो कितना सुहाना सा, जस्ट लाइक अ मूवी। कोई मूवी का हम सीन देख रहे हैं, उस टाइप का लग रहा है। वही लग रहा है कि मैं सौरभ जोशी के घर से ब्लॉग कर रहा हूँ भाई, एकदम वही सीन है। ये जो देख रहे हो ना भाई, ये लकड़ियाँ की है और इस पे ना कोई भी मशीनरी यूज नहीं हुआ है। ये ना हाथ से बनाया गया है। ये चेक करो, इतना सॉलिड डिजाइन, टोटली खुद से देख लो भाई। ये हाथ से बना हुआ है, भैया ने बताया। तो आपको मैं कहाँ रुका था, ये भैया का घर है, यहाँ पे अंकल होते हैं, मतलब भैया के पापा। अपना आशियाना था आज का फिलहाल, तो आज हम यहीं पे रुके थे और अब जो है हम शुरू करेंगे फिर से यहाँ से ट्रैक। इधर भी पहाड़, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है ना भैया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। भैया ने पूजा भी कर लिया इतना जल्दी। और भैया ना ऐसे शिक्षक है ना, शिक्षक है भैया, और मतलब यार बहुत सच में अच्छे इंसान है। मतलब एक होता है ना भाई, अपने अंदर डिसिप्लिन, उसके लिए भी रिस्पेक्ट देते हैं हर लोग, बड़े से लेकर छोटे लोग। जो बनाया ना, ये पूरा पत्थर ही है ना, ये पूरा पत्थर का है। पत्थर को जो है उकेर के निकाला गया है ये ना। हाँ। पत्थर की ये काटने वाले कौन लोग, मशीन वाले? नहीं, ये हाथ से ही निकालते हैं, मशीन से नहीं निकलता ये। हाथ से ही जो है इसको छेनी मार के जो है निकाल। इतना पतला पतला। हाँ जी, मन नहीं कर रहा भाई यहाँ से जाने का, लेकिन क्या करें, यहाँ पे भगवान हमें भेजता। काश हम लोगों का गांव ऐसे जगहों पे होता, अलग ही एक सुकून होता भाई। कोई भी हलचल नहीं, बिल्कुल शांत माहौल एकदम। आज का सुबह का नाश्ता ठीक है दादी जी, नाश्ते। अब हम निकलते हैं फिलहाल भैया के गांव से, और भैया को भी लेट हो रहा है, स्कूल का टाइम हो गया, हम लोगों को पता भी नहीं चला। बैग वैग ले लिया, अब 40 किलोमीटर है बस। थोड़ा सा बैग का वेट बढ़ गया, कपड़ा मैंने धो दिया था। थैंक यू। ओके, हेलो। ये देख के मैं कंफ्यूज हो गया भाई, मास्क लगाइए, अभी भी कोरोना है क्या? बताओ भाई, मास्क लगाइए, चेक करो क्या नज़ारा भाई, मज़ा आ रहा एकदम सच में। मन कर रहा है नहा लूँ, पर मैं तो नहा के आया हूँ भैया के रूम पे से। भाई कितना सुहाना लग रहा है, ये चेक करो, ऐसे पानी होकर उधर जाएगा। कहाँ तक आप जाओगे? तो मैं ना कल जहाँ पे रुका था वहीं गया भैया, भैया ने पहचान लिया, मैंने आगे देखे अभी भैया को पहचाना, भैया के साथ जा रहे आगे। तो भाई सारे लोग अच्छे भाई गाँव के। आपका नाम भैया? चौहान। क्या बात है, ये देखो भाई रास्ता, इधर देखो लैंडस्लाइड्स कैसे हुए हैं, कितना रास्ता देख रहे हो कितना पतला है, आया पूरा पत्थर गिर के। देख लो भाई गाड़ियाँ कैसे पार होती है, बस आ गई, बस उधर से उतरेगी धीरे 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 धीरे। अगर एक साथ दो गाड़ियाँ हैं तो क्या होगा, देख लो भाई। मैं बता रहा हूँ पूरब दिशा की ओर, इधर देखो पत्थर गिरते हैं, कैसे कैसे पत्थर है। देखो भाई, भगवान कहता है ना कि भगवान जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के देता। आज मेरे साथ वैसा हुआ, मैं सुबह में निकला, जैसे ही निकला वहां पे मुझे एक भैया मिले जिन्होंने 15 किलोमीटर का लिफ्ट दे दिया बाय ट्रक, और मैं ट्रक से उतर के लगभग भाई 200 मीटर भी ना चला होगा कि वहां पे एक भैया और मिले जो कि शिफ्ट से थे, और वो बिहार से थे, दो यात्री को लेके आ रहे थे भैया, और उन्होंने जो है मुझे लिफ्ट दे दिया यमुनोत्री तक का, और उन्होंने ये भी ऑफर किया कि आप मेरे साथ ही चार धाम कर लो, परंतु मुझे नहीं करना। और उनके साथ हंसते खेलते बात करते हम पहुंच गए माता यमुनोत्री के द्वार पे। तो अब यहाँ पे आओ दिखाते हैं क्या माहौल था। भाई साहब निकल चुके हैं हम यमुनोत्री में, पीछे से अभी से शुरू होगा हमारा नया ट्रैक। भैया ने लिफ्ट दिया था यार, बहुत लंबा लिफ्ट, फ्रॉम बिहार से हैं ये और इन्होंने लिफ्ट दिया। भाई की जर्नी इधर से ही शुरू होगी अपनी, बाकी कैमरा भी चार्ज नहीं है, कैमरा चार्ज करते हैं, शाम तक तो पहुंच ही जाएंगे। शाम नहीं होने दूंगा यार, 5-6 किलोमीटर है, 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो पहले फ़ोन चार्ज करते हैं, इसके बाद फिर आपको शुरुआत करते हैं एक नई ट्रैक की। तो चलो भाई, मैंने सोचा नहीं था यार इतना जल्दी कर लूँगा यार, मतलब 2-3 दिन में यार, हद है भाई, 3 दिन हुए बस और मैं पहुंच गया 10 बजे। सोचो 6:30 7:30 में चले थे हम शायद, और अभी 10 बजे पहुंच गए हम नोत्री। गाइस फाइनली अभी मैं यहाँ पे 3 घंटे पहले आ गया था, और अभी मैं खा रहा हूँ चावल और भैया खिला रहे हैं फिर से भाई मुफ्त में खाना, सोच लो। मैंने इनको कहा कि आप मुझे खिला दो, आपका शादी शुदी जल्दी हो जाएगा। तो भैया ने कहा हाँ बिल्कुल खा लो भाई, जल्दी से मेरा शादी हो जाए। बाकी दुकान देख लो स्टैंड के सामने भाई, अगर यमुनोत्री आप करते हैं चार धाम तो प्लीज़ आ जाइएगा।
अच्छे जो लोग दिल के अच्छे होते हैं उनको मैं आपके अपने वीडियो में दिखा देता हूँ। ये रहा प्यारा सा व्यू, इधर हिमालय, यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हैं, ये अपना दुकान है और यहीं पे मैं खाऊंगा। सोच ले भाई, फ्री में खाना मैं खा रहा हूँ। देखो दिल कितना बड़ा है इनका यार, दिल से लव यू। ये भी चौहान, तू जो छोले प्यार से आराम से मर जाऊं, आजा चंदा बाहों में तुझ में ही गुम हो जाऊं, मैं तेरे नाम में खो जाऊं। सैया सैया मेरा दिल खुशी से झूमे गाए रहते, पल पल मुझे डुबाए जाते जाते, तुझे जीत जीत हारूं ये प्राण प्राण वारूं, हाय ऐसे मैं निहारूं तेरी आरती उतारूं, तेरे नाम से जुड़े हैं सारे नाते। सुभान अल्लाह, ये सैया सैया बन के कर देता है। माला प्रेम के दिल की धड़कने इतनी उजागर हो जाती है, कहे तो कहा बैठूं नैया प्रेत के संसार से तर जाऊं, मैं तेरे नाम में तर जाऊं। सैया सैया थैंक यू सो मच, दिल से भैया आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मजा आ गया। नो वर्ड फॉर यू भैया, नो वर्ड, थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ ना हमारे परम मित्र आज ही बने हमारे, बिल्कुल हमारे दिल्ली से आज चार धाम में पैदल यात्रा कर रहे हैं हमारे। ये टैलेंट मैंने इससे पहले मतलब आज तक तो कभी नहीं देखा था। अरे मैंने भाई, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ वीडियो के लिए बोल रहा हूँ, मैं माता के धाम पे हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, दिखावे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सच में दिल में। थैंक यू सो मच, आपने बहुत बड़ी बात कर दी, थैंक यू सो मच। हम तो बस ये है कि बस यहाँ पे होटल चलाते चलाते सीख गए थोड़ा बहुत। तो आज की वीडियो हमारी अभी अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुकी है और आज मैं यहीं पे स्टे कर रहा हूँ होटल में। अभी आपने ये गाना सुना और ऐसे ऐसे कई लोग हैं जो भारत देश के अनेकों गांवों से हैं, जिनके पास गायकी का एक अलग नॉलेज है। हर मतलब ऐसा ना मैं कहूँ कि सिर्फ गायकी, हर क्षेत्र में उनके पास गुण होता है, पर किसी कारण से वो अपना फेस वैल्यू नहीं बना पाते और इसका सहयोग जाता है पार्थ ब्लॉग 08 को, जिनके साथ में मैंने ये उनके हेल्प से ही मैंने इनसे मीटअप किया, इनके साथ मैं मिल पाया, या मेरा सौभाग्य था। तो प्लीज जाके भाई को सपोर्ट करना, बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज जाके सब्सक्राइब मारना भाई। और आज मैं ये जो भारत यात्रा कर रहा हूँ बिना पैसे के, चारधाम यात्रा, तो इसमें उनका भी सहयोग है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, बाय, जय श्री राम।